हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज फिर से हाजिर हूँ हमारी ऑफ रोड मास्टर्स के साथ। तो भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं पर एंड करा था, मतलब यहीं पर स्टे करा था भाई। तो आज वहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली बार तो हम लोगों ने ये पुल यहाँ पर बना दिया था और आज देखते हैं कि कौन सा नया मिशन मिलने वाला है। और अभी फ़िलहाल एक बात ये भी कि गाड़ी मेरी यहीं खड़ी हुई है, जल्दी से इंजन को स्टार्ट करते हैं। पीछे मुझे दिख रहा है लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है भाई, बहुत ज़्यादा दूर है ये। तो अपनी लोकेशन पे मुझे जाना है और वहीं पर मुझे अपना नया जो टास्क है वो मिलने वाला है। तो देखते हैं अभी कौन सा टास्क मिलने वाला है। देखो भाई बहुत एक नंबर की गेम है, मेरा मतलब एक नंबर की गेम है ये भाई, बहुत सही है इसके अंदर। देखो ग्राफिक्स के मामले में भी एक नंबर है और ऊपर से ऑफ रोड है, साथ ही साथ हम लोगों को इसके अंदर मिशन भी मिल रहे हैं। जल्दी से भगा कर, ओए नहीं नहीं गलती 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 भाई साहब, मेरी गाड़ी आधी से आधी डैमेज होने वाली है लगभग, मतलब आधी डैमेज हो चुकी है लगभग, क्योंकि मैंने एक बुलाटी मार दी यहाँ पे गलती से। तो लगभग अब पहुँचने ही वाला मैं, और थोड़ा ही रह गया है अपना जो सफ़र है इस रास्ते का। तो ऐसा ही है भाई, वो एक मिनट रुको भाई, इसकी आवाज़ में कितना फ़र्क पड़ गया। मतलब जैसे हम लोग रियल गाड़ी में अंदर बैठते हैं, अंदर से आवाज़ आती है ना गाड़ी की, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ रही है। और काफ़ी स्पीड से भगा भी पा रहा हूँ यार, बिल्कुल फीलिंग वही है कि हाँ असली गाड़ी चला रहा हुआ है। क्या बात है भाई, ओके लगभग मैं पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ा ही रह गया ये। मैं तो अपने भाई इसी रोड से ही जाने वाला हूँ और मैं कोई भी कच्चा रास्ता नहीं लूँगा भाई। ओए एक मिनट, अरे भैया रुको रुको रुको, ये क्या है, क्या कोई खड्डा वड्डा, कोई नदी निकल रही है रास्ते के ऊपर से। पर अगर इसके अंदर रास्ता बना हुआ है तो ये गहरा तो नहीं होना चाहिए, लगता है निकल जाएगी। हाँ निकल गई, ओके ओके। तो चलो अब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। भाई कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, टायर की बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आ रही है कि कच्ची सड़क पर जैसे टायर की आवाज़ आती है ना, बिल्कुल वैसी आवाज़ आ रही है। ओके लग मैं थोड़ा ही रह गया भाई, मैं पूरा ही सीन दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके यही तो देखने वाली चीज़ है। फंस गया था मैं, ये तो पूरा तालाब था भाई। रुक जा गाड़ी मेरी, रुको इस तरफ से चलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मैं पहले आया हूँ। अरे नहीं गाड़ी का दम ख़त्म हो गया, इधर से नहीं चढ़ पाएगी, थोड़ा बैक लेके चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ। अरे हाँ ये अपना वो गैस स्टेशन होगा ना भाई, वही वही अपना अड्डा होगा ये। चलो 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 चलो, ओके ओके रुको रुको, हाँ ये वही जगह है भाई। थोड़ा सा पीछे चलते, इधर बैरियर लगे हुए, वो तार लगी हुई है जिससे मैं गाड़ी को इधर लेके नहीं जा सकता। लेकिन ग्राफिक्स बहुत मज़ेदार है भाई इस गेम की। अब चलते हैं अपने पेट्रोल पम्प पर और अपने गैरेज पर। ये अपना पेट्रोल पम्प भी है और गैरेज भी है, अब देखते हैं यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलने वाला है। ओके जो मिशन आ रहा है वो यहीं पर आ रहा है, सबसे पहले हम लोग मिशन ही ले लेते हैं। तो गाड़ी को ही वहीं पे लेके जाना होगा तभी मैं मिशन ले सकता हूँ। ओके दिखाओ मुझे क्या है यहाँ पर। देखो मैं अपने हिसाब से मिशन को सिलेक्ट कर सकता हूँ। लगभग इनकी डेस्टिनेशन देखो यार 28 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर है, ये 22 किलोमीटर है, थोड़ा कम है। और इनका देखो जो किराया वो भी उतना ही होगा, 24 भाई वाले का 25 गए, ऐसा क्यों भाई। इसके अंदर कुछ प्लेट्स हैं जो मुझे लेके जानी है। ओके एक ट्रेलर पिकअप करना, कहाँ है वो रहा ट्रेलर। ओके पिछली बार भी मैं यहीं से ट्रेलर को ले गया था लेकिन हम लोगों ने सामान कहीं और से वो ले लिया था, यहाँ पर अब की बार सामान लदा लदा आया है। ये अपना भाई घर ही समझ लो एक तरह से, अपना गैरेज है, अपना घर है, यहीं पे आते हैं हम लोग, यहीं से मिशन मिलता है। सबसे पहले गाड़ी को रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी डैमेज हो गई थी। ठीक है भाई अपनी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है और अब एक काम और करना है मुझे ना फ्यूल भी भर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूल कम है अपनी गाड़ी के अंदर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये बेड का निशान क्या है सिस्टम है इसका देख तो लें। ओके इससे मैं रेस्ट कर सकता हूँ 6 घंटों के लिए लगभग, और 9 बज के 6 मिनट हो गए। और ये कौन से टाइम पे रात हो रही है, रात का टाइम है क्या 9 बजे मुझे, हाँ रात का ही टाइम होगा क्योंकि पहले तो दिन था भाई। कितना अच्छा लग रहा है भाई, बिल्कुल अंधेरा ही हो गया और जहाँ पर लाइट है वो भी अच्छी तरह से दिख रही है। अब फंस गई गाड़ी, अब मुझे ना पेट्रोल डालना अपनी गाड़ी के अंदर क्योंकि लंबे सफ़र पे जाने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से पहले लाइट को ऑन कर लेता हूँ। देखो भाई लाइट का व्यू क्या ही बढ़िया आ रहा है, मतलब यही तो होती है ग्राफिक्स। अब गाड़ी को साइड में लगा दूँ एक बार, मुझे फ्यूल डालना है इसके अंदर। ओके गाड़ी को मैंने साइड में लगा दिया और अब इसके अंदर फ्यूल डालना है मुझे। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी मशीन के पास, यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आ रहा है और ये मैंने पाइप उठा लिया जिससे कि मैं गाड़ी के फ्यूल डाल सकता हूँ। शायद कहाँ से डालूँगा इसका, कहाँ है ढक्कन, कहाँ है, ठीक है हाँ ये रहा ओके ऊपर दिख रहा है।
तो यहीं से मैं इसके अंदर फ्यूल भर सकता हूँ। तो अभी पूरी टंकी भरने वाला हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है, लगभग 22 किलोमीटर का अपना सफ़र होने वाला है। तो पता नहीं अभी कौन कौन सी चुनौतियाँ रास्ते में देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि यार ये ऑफ रोड है। तो ओ भाई 385 रुपये लगे मेरे, अच्छा पाए वो तो लगना ही था ना भाई, फ्यूल है तो पैसे तो लगेंगे। चलो अभी सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अंधेरा भगा देता हूँ, उजाला करवा लेते हैं भाई, रात में कहाँ फंस जाऊँ मैं कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ठीक है, 8:03 हो चुके हैं और सुबह भी हो चुकी है। तो ये रही हमारी ट्रॉली, इसे मुझे कनेक्ट करना है अपनी गाड़ी के साथ, उसे लेके जाना है इसकी डेस्टिनेशन पर जहाँ ये सामान हमें छोड़ना है। और 2500 मुझे लगभग इसके मिल रहे हैं, 2500 पता नहीं 2400 मुझे मिल रहे हैं, तो वो हम लोग ज़रूर लेने वाले हैं। तो कहाँ पे है ये रहा, ओ ये तो 4 किलोमीटर दिखा रहा है पहले ही, भाई ये तो 22 किलोमीटर दिखा रहा था ना, क्या पता। चलो निकलते हैं हम लोग, हमें क्या लेना देना भाई, हमें तो सामान पहुँचाना। और अच्छी बात है कि कम दिखा रहा है, ओ यार ये गलत लिया है मैं, ओ फंस गया, अरे फंस गया मैं भाई, अब क्या करूँ। निकलो, अच्छा निकल जाएगी गाड़ी भाई, इसके लिए मुझे ना वो टोचन भी लेनी पड़ेगी भाई, वो मेरे पास है नहीं, हुक नहीं है मेरे पास। चलो जी चलो निकल गया मैं अभी के लिए, तो निकल गया, मेरे पास वेंच नहीं है भाई जिससे मैं इसको किसी चीज़ से कनेक्ट करके खोल सकूँ या फिर आगे ले के आ सकूँ। तो फिलहाल यहाँ पे सड़कें दिख रही हैं, यही अपनी ख़राब सी सड़क, यहीं से होके जाना होगा। और वो जो रास्ता है वो भी इसी तरफ दिख रहा है मुझे, वो हमारे अपना जो डेस्टिनेशन है वो दिख रहा है इस साइड। भाई इसके अंदर मैप नहीं है यार कि हम लोग ऊपर से पहले देख लें कि हाँ ये आखिर में सही दूरी इसकी क्या है। तो चलो वो मुझे इस तरफ दिख रहा है तो इसी तरफ चलते हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे रोड बाय रोड ही जाना चाहिए यार, नहीं तो ये बहुत दूर हो जाएगा मेरे लिए। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग अपने रोड से ही जाने वाले, तो सामने पानी है सड़क के ऊपर पर मुझे साइड से निकालना पड़ेगा, वो तो थोड़ा दूर दिख रही है यार, पर मैं सोच रहा हूँ कि सड़क से होकर के जाते हैं हम लोग, इधर से जाऊँगा मैं सड़क के ऊपर, नहीं तो यार जो अपना ऑफ रोड है ना वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार गाड़ी अपनी फंस जाती है। ओके रुक जाओ, ये मैं गलत आ गया क्या, मुझे ऐसे ही लग रहा है भाई, एक मिनट, अरे मैं गलत आ गया शायद, वो तो पीछे रह गया ना, अरे हाँ ये वही ऊपर से घूम के आ गया तालाब में, यार ये क्या हुआ। चलो अब की बार मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे वापस ही जाना है इसी साइड में। चलो 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 अब मैं ना दूसरी साइड से नया रास्ता ले, अरे फंस गया मैं फिर से, नया रास्ता लेने की कोशिश करने वाला था लेकिन फंस गया यार, इसके अंदर यही है भाई बहुत गंदी सड़कें हैं, कहीं ना वहीं फंस जाएगी गाड़ी फिर मुश्किल होगी। चलो निकल तो गया मैं, अभी चलते हैं आगे थोड़ा आराम से, यार इसके ना कंट्रोल कुछ ज़्यादा ही बिगड़े हुए हैं गाड़ी के। ओ भाई क्या ही डैमेज हुआ गाड़ी को, देख रहे हो नीचे दिख रहा है, डैमेज भी दिख रहा है, फिर से फंस गया, अरे वाह भाई, इसको मतलब मुझे थोड़ा आराम से लेके आना था, ये तो मेरी ही गलती है। तो अब निकालो इसे, चलो जी ये निकल गया, अब पहले मैं इस तरफ आ जाता तो शायद अच्छा रहता, पर मुझे पता नहीं था ना कि यार रास्ता कौन सा सही है, क्योंकि मैंने अभी तक इतना खेला नहीं है ना इसे, तो अभी यहाँ से पता चल जाएगा। अब यार क्यों ठोक रहा हूँ मैं गाड़ियाँ, हाँ तो रही है भाई, मैं सीधे ठोके जा रहा हूँ, इसकी ब्रेक नहीं लग रही है ढंग से। चलो अब ये रास्ता मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, और लग रहा है कि ये शायद मुझे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचा देगा। भाई यहाँ पर ना फिसलती बहुत है गाड़ी, ये क्योंकि कच्चे रास्ते हैं, जितना भगाऊँगा तो ब्रेक लगने में उतना ही टाइम लगेगा, पर अभी मुझे लग रहा है कि शायद जो रास्ता जो है सही मिल चुका है मुझे, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और रास्ता भी बिल्कुल सीधा ही है, ज़्यादा गंदा नहीं है, वो कि यहाँ से मोड़ है, तो लग मुझे यही रहा कि यही होगा, लेकिन भाई ये तो चढ़ाई है, ये तो बहुत ऊँची चढ़ाई है, और मेरी गाड़ी यहीं पर दम तोड़ चुकी है, क्या इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। ओके नहीं लेके जा सकता भाई, गाड़ी जवाब दे देगी, गाड़ी ने जवाब दे दिया, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर चढ़ने वाली है, तो आराम से पीछे उतरना पड़ेगा, अरे फंस गया भाई। चलो अभी घुमा ही लेते हैं फिर अगर क्या ही हो जाएगा। चलो जी ये रास्ता नहीं जाने वाला क्योंकि भाई इतना दम नहीं है मेरी गाड़ी के अंदर कि यहाँ से ले जाऊँ, तो उसके लिए मुझे कोई और गाड़ी बाय करनी पड़ेगी या फिर इसके इंजन में बदलाव करने पड़ेंगे, पावर बढ़ानी पड़ेगी, तब जा कर के मैं ऐसी चढ़ाइयों को चढ़ सकता हूँ। यही तो भाई रोला है ना अपना इन पहाड़ी इलाकों का, अभी कोई और रास्ता ढूंढना होगा मुझे, लग तो ऐसा रहा कि शायद कोई रास्ता और मिल जाना चाहिए। ओके यहाँ पे एक और मोड़ है, रुक जाओ आराम से। चलो ये रोड भी मुझे देखा हुआ लग रहा है यार, क्योंकि यहाँ पे ना मैं आया हूँ शायद यहाँ से उतरते हुए, अब मैं चढ़ रहा हूँ, पहले मैं उतरते हुए आया था। ओके थोड़ा इधर उधर करके गाड़ी को चढ़ाना पड़ेगा भाई, काफ़ी टाइम लगने वाला है इसमें, चल 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 चल, थोड़ा जुगाड़ बिठाना पड़ेगा अगर गाड़ी के ऊपर चढ़ाना है, ऐसे तो चढ़ नहीं पाएगी, इधर उधर लेकर जाना पड़ेगा इसको, इधर ओके थोड़ा सा सीधा, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गाड़ी रुके ना, बस अगर गाड़ी रुक गई तो समझ लो नीचे ही जाएगी। ओके ये नहीं रुकी,
तो अब चढ़ जाएगी शायद। ओके स्पीड पकड़ रही है गाड़ी थोड़ी सी, थोड़ी और स्पीड मुझे पकड़ानी पड़ेगी भाई इसको, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलो 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 चलो, ये मोड़ थोड़ा और गहरा है यार, ऊंचा है मेरा मतलब गहरा की वो मतलब ऊपर ऊपर ऊपर। ओके चढ़ गई, चढ़ गई भाई बढ़िया। चलो जी ये भी ऊपर चढ़ गई है, और अब मुझे लग रहा है थोड़ा ही रह गया होगा कहीं, अब और ऊँची ढलान ना आ जाए। अब यार ऊँची ढलान क्यों बोल रहा हूँ, ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो भाई, फंस जाएगी मुझे लग रहा है गाड़ी, यहाँ फंस जाएगी। चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई, चढ़ जाएगी भाई चढ़ जाएगी, थोड़ा जोर लगा। अब भाई यार ये ब्रेक नहीं, वो टूट ही गया, मुझे लगा कि ये अटका देगा गाड़ी के ऊपर, वो टूट गया, अच्छा ही हुआ एक तरह से। चलो जी हम लोग पहुँच चुके हैं, और फिलहाल आगे तालाब और रास्ता नहीं दिख रहा, ये वही जगह है यार जहाँ से मैंने सामान उठाया था पहली बार। चलो यही रास्ता है, मुझे पता है मैं आया था इस साइड। इस ट्रॉली को लेके चलते हैं भाई, ऊपर लेके जाना है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से मैंने सामान लिया था पुल के लिए, जो लकड़ियाँ मैं लेकर गया था वो यहीं से लेकर गया था, आया था मैं दूसरी तरफ से। अब की बार पता नहीं क्यों मैंने गलत रास्ता ले लिया। चलो हाँ वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे चढ़ नहीं पाई थी ना गाड़ी, तो मैंने तालाब के पास से पहले कट मार लिया था, अब नहीं मारा था मैंने इसीलिए। ओके दोस्तों उसी जगह पर आ चुका हूँ, तो अभी गाड़ी को मुझे यहीं कहीं पार्क करना होगा, ठीक है ये रही इसकी जगह, तो यहाँ मुझे गाड़ी को पार्क कर देना है। ओके तो पार्क ट्रेलर, ट्रेलर को पार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये इसकी जगह है। चलो जी ओके दोस्तों, तो ये तो कंप्लीट हो चुका, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, तो हमको पैसे भी मिल गए, और अब लगभग 6 मिनट से ज़्यादा का समय है जो मुझे लग चुका है यहाँ पर पहुँचने में, लेकिन कोई बात नहीं फिर भी सही सलामत हम लोग यहाँ पर पहुँच गए, और अपना रिवॉर्ड भी मैंने ले लिया, सामान भी यहाँ पर रख दिया, तो इसी के साथ ये मिशन तो कम्प्लीट हो गया। तो ओके तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसके मैं अभी कुछ और एपिसोड लाऊंगा, क्योंकि ये गेम मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और खेलने में भी बहुत मज़ा आता है। तो अभी नई गाड़ियां मैं कुछ बाइक करूंगा, उसके बाद देखेंगे कि कौन से नए खतरों का सामना हम लोग कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।